सब चीजों में हम आत्मनिर्भर बना सकते। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है, साइंटिस्टों की कमी भी नहीं है। हम सभी दिशाओं से भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, तभी पूरी दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो ये छोटी छोटी समस्याएं आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी और हम बेबस लाचार नजर आएंगे। इसलिए एक बार थोड़ा साहस करने की जरूरत है दीपक भाई। हम दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और कल को दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। भारत इकोनॉमिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। वो ताकत हमारे पास में है जो पहले कभी मनु महाराज ने कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणं पृथिव्यां सर्वं मानवा। इस बात को हम दोबारा इस धरती पर, धरा जमीन पर उतार पाएंगे। और जो कल मोदी जी ने कहा, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, इस धरती का भी कल्याण भारत के उत्थान में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और मैं भारत ताकतवर होगा तो पूरी दुनिया में शांति समृद्धि कायम होगी। मैं आज से आपके सामने एक प्रण ले रहा हूँ स्वामी जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ इसीलिए आपके सामने ले रहा हूँ। आपने जैसे 40 साल पहले कहा था कि कोई भी विदेशी चीज नहीं, आज से मैं भी, जो पुरानी चीजें हो गई वो हो गई, लेकिन आज से विदेशी ब्रांड मेरे लिए नहीं, ये मैं आपके सामने शपथ ले रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा और दूसरों को भी आपका एग्जाम्पल दूंगा। दीपक भाई, आपने मेरे दिल को जीत लिया आज। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमसे जुड़े, इतने खुलकर आपसे बात की। और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत जिसकी कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम से है, वो भारत विश्व का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर करेगा।